हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे दोस्त, उम्मीद करता हूँ सभी मस्त स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी देखो सुबह के बज रहे हैं 7 और कितना तेजी से देख ले हवा चलने लगा। ये देखिए दोस्तों 7 ही बजे और ये देखिए दोस्तों अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। देखिए तो 5 फीट मैं ऊपर खड़ा हूँ। दोस्तों ये दूसरे का घर दिख रहा है, ये दूसरे का घर अभी न्यू घर बना। ये देखिए दोस्तों एक उधर बना, एक ये बना, दोनों पटीदार है दोस्तों। इधर देखिए बना, आप लोगों को क्या वैसे वॉइस मेरा क्लियर सुना दे रहा क्योंकि हवा बहुत तेज चला नहीं पा रहा दोस्तों। पानी को सब कुछ प्रॉपर तरीके से उड़ रहा है। और उधर देखो पापा कुछ काम कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों पापा कुछ काम कर रहे घर बनाने के लिए। तो दोस्तों फाइनली अब मेरा न्यू घर बनने वाला है, मतलब वही घर में कुछ थोड़ा सा संशोधन होगा, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से बनाया जाएगा। तो आइए चलता हूँ अपना घर दिखाता हूँ। तो प्लीज इसके लिए आप लोग को घर देखने से पहले अपने छोटे भाई बहन 4 को प्यार सपोर्ट देना है। उसमें प्यार सपोर्ट क्या देंगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, आल बेकन ऑन करके। ये देखिए दोस्तों ये दूसरे का घर है और चलिए देखिए सड़क उस पार मेरा घर है। देखिए दोस्तों उनका घर बनने के लिए देखिए ये सब गिर गया क्योंकि उनके पास पैसा, मेरे पास पैसा वगैरह नहीं है। तो चलिए दिखाता हूँ। वैसे बहुत कष्ट के देखिए दोस्तों आज ही चल रहा है, क्या ही बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये रहा फाइनली मेरा घर, देखिए दोस्तों ये रहा मेरा फाइनली घर। देखिए दोस्तों ये कितना ही अमेजिंग सर आ रहा है दोस्तों, देख पा रहे हैं। और ये मैंने देखो प्यारा सा गेट यहाँ पर लगा रखा है। एक रास्ता देखो इधर से आता है, ऐसे आके यहाँ हल जाता है, और एक रास्ता देखो इधर आके मेरे घर में चला जाता है। ये देखिए दोस्तों ये रहा फाइनली मेरा गेट। देखिए दोस्तों ये रहा मैंने गेट अपना निकाल दिया। देखिए उसके बाद यहाँ से मेरा घर स्टार्ट होता है दोस्तों। ये देखिए किस तरह से मेरा घर स्टार्ट होता है। आइए सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों मैंने तिरंगा लगाया जो कि हवा में बटर गया, बट कोई नहीं, देखो हम हिंदुस्तानी इसलिए हमने तिरंगा को लगा के रखा। देखिए दोस्तों कितना अमेजिंग सा लग रहा ना। वैसे सच में बताना आप लोगों को तिरंगा कैसा लगता है, अगर जितने हिंदुस्तानी कोने कोने से देख रहे हो भाई तिरंगा के लिए एक कमेंट जरूर करना, जय तिरंगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। और ये रहा मेरा देखो सब्जी वाला खेत, यहाँ पर मिनी खेत है। देखो ये दोस्तों टमाटर, आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ टमाटर। देखिए दोस्तों खार में छिपा है, वाह रे भाई साहब, ये देखिए कितना ही अमेजिंग सा टमाटर, देख पा रहे दोस्तों। ये देखिए देखिए दोस्तों ये है टमाटर, बहुत ही अच्छा है। और ये रहा देखो फाइनली मेरा घर दोस्तों, आप लोग को तो दिख रहा होगा। चलिए अब हम आप लोग को अपना घर का सारा डिटेल बताते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा घर का छान देखिए उजर गया, ऊपर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये मेरा न्यू घर बनाना है, इसको फिर से दोबारा से इसको ऊपर छपरा डालना है। और ये रहा फाइनली मेरा घर जो कि आप लोग को ये घर मेरा दिख रहा होगा। ये देखिए मैंने न्यू लगा दिया पुराना उजार के, वो वीडियो आप लोग तो देख ही चुके। छोटा सा मिनी सा हमने बनाया था क्योंकि मुझे काम था तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये रहा दोस्तों आप लोग बताना क्या आप लोग के पास अच्छा अच्छा घर है ना। मुझे पता है मेरे पास ही घर अच्छा घर नहीं है, बट कोई नहीं, मुझे इस बात का गम नहीं कि मेरे पास घर नहीं, मुझे इस बात गम है कि मेरे पास जमीन बहुत है। ये सारा जो जमीन दिख रहा है ये सारा मेरा है, मेरे पापा का है, मतलब मेरा नहीं मेरे पापा का है, तो मेरा ही हुआ ना फ्यूचर टाइम में, तो ये मेरा जमीन है। बट हमारे पास उतना पैसा नहीं कि हम घर बनवा सके, लेकिन जब भी हम लोग आपके प्यार और सपोर्ट से पैसा कमाएंगे तो एक घर रहने के लिए बनवाएंगे बढ़िया सा, और आप लोग ताकि जो गेस्ट आए उसमें रह सके, एकदम एसी उसी फटाफट लगवा लूंगा प्रॉपर तरीके से। और ये देखो दोस्तों यहाँ रहा है गौरजीत, ये गौरजीत आम है जो इसका पक्का बॉल सुरंग होता है। ये देखिए गौरजीत के आम का ठिकोरा किस तरह से होता है, देखिए दोस्तों ये रहा गौरजीत आम। आइए आप लोग को और मैं आगे दिखाता हूँ। एक गेट मैंने देखो यहाँ पर लगा के रखा, ये देखिए दोस्तों देखिए ये एक गेट मैंने यहाँ पर लगा के रखा था। और ये रहा मेरा गार्डन, देखिए दोस्तों ये आम देखिए गौरजीत आम है। और ऐसे आप लोग कितने लोग बताना कि गौरजीत पक्का, आप लोगों को कितने लोग को इसका जो पक्का होता आम कितने लोगों को अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों गौरजीत आम, गौरजीत आम कितने लोगों ने खाया है, कितने लोगों को गौरजीत आम का जो खुशबू अच्छा लगता है, गौरजीत आम अच्छा लगता है, तो यही फाइनली गौरजीत आम। ये देखो एक आम तो बेकार निकल गया, ये देखिए दोस्तों देखो एक इसमें भी बेकार निकल गया, ये देखिए। और ये रहा फाइनली पपीता, देखिए दोस्तों किस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा ना, एकदम बढ़िया सा, देखिए दोस्तों ऊपर भी फरा है। और ये देखो टहनिया टहनिया फरा, देखिए दोस्तों। और मैंने अभी 2-4-6 पपीता छोटा छोटा लगाया है, देखो एक उधर आप लोग को दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, और एक वो दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों आप लोग को तो दिख ही रहा। और एक देखिए मैंने इधर लगा के रखा, देखिए दोस्तों बहुत सारा लगा के रखा मैंने, पेड़ की कमी नहीं, कोई पेड़ की कमी नहीं है, बट कमी है तो सिर्फ घर की एक कमी है और कुछ नहीं कमी है, क्योंकि मेरे पास घर नहीं रहने के लिए। चलिए आप घर के अंदर में चलता हूँ, आप लोग को लेकर चलता हूँ। प्लीज आप लोग मेरे बात का बुरा मत माना, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं घर बनवा सकूँ यार। मैं सोचता हूँ मैं घर बनवाऊँ, बट कहाँ से बनवाऊँ, मेरी औकात नहीं है ना, आप लोगों को तो पता है मेरी औकात नहीं है, तो औकात कैसे बनेगी आप लोग के प्यार सपोर्ट से। प्लीज अपने छोटे भाई बहन 4 को आप लोग प्यार सपोर्ट दो प्लीज यार प्लीज। ये देखो ये रहा मर्चा खेत, ये देखो दोस्तों मर्चा कितना ही प्यारा प्यारा आ गया बहुत मेहनत के बाद। ये देखिए दोस्तों इसमें मर्चा लग गया है, एकदम प्रॉपर तरीके से लग गया है दोस्तों, और सच में बहुत अच्छा लगता है जब मेरा फल आता है, मैं मेहनत करता हूँ। ये देखिए एक पेड़ मेरा सूख गया है, देखिए दोस्तों कितना ही अच्छा, कितना ही बढ़िया इसमें देखिए फल आया था ना, देखिए दोस्तों कितना ही बढ़िया फल आया था, लेकिन ये सारा सूख गया, पेड़ ही सूख गया। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, एक पेड़ यहाँ पर सूख गया, मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, देख पा रहे हैं, देखिए ये देखिए पेड़ सूख गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं छिड़काव करता हूँ, दवा का छिड़काव करता हूँ प्रॉपर तरीके से, उसमें पानी वगैरह डालता हूँ कि ना सूखे, लेकिन
देखो धूप इतना तेजी से होता कि मैं उसमें कुछ कर ही नहीं पाता, मेरी कुछ गलती नहीं है दोस्तों। और चलिए अपना फाइनली अब घर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा घर। आइए एक फोटो लेता हूँ अपने घर के साथ में। ये देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा घर। और एक चलिए दो चार फोटो, छह फोटो जो भी लेना हो मुझे मैं ले लिया। और ये रहा मेरा घर का। वैसे बताना इधर से मेरा घर क्या खूबसूरत दिखता है आप लोगों को दोस्तों, सच बताना। अब चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने छोटा सा लगा पड़ा था जो कि यहाँ पर छोटा सा पड़ गया था, बट कोई नहीं, मैंने ऐसे ही लगा के देखो ये डंडा में मैंने लगाया, चूँकि मेरे पास वो था नहीं जो बोलते हैं वो लोहे का रहता है अल्मीनियम का, वो था नहीं, तो इसलिए मैंने डंडे का लगा दिया बांस का। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा, ये पापा का छोटा सा शॉप है दोस्तों। यहाँ पर पापा दवा, क्योंकि मेरे पापा आयुर्वेदाचार्य किया तो वो दवा खरबूजा का दवा भी बनाते हैं और दवा देते हैं, तो जिससे दो चार रुपए पाते हैं, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दिन का निकल जाता है, खर्चा निकल जाता है, नून पानी नमक का घर का खर्चा निकल जाता है। तो ये रहा मेरा प्यारा सा शॉप। और ये रहा मेरा रिंग लाइट। वो रही देखो माता जी, इधर आपने देखो शिव भगवान। वैसे बताना कितने लोग शिव भगवान का पूजा करते हैं, आज तो सोमवार भी है। और ये देखो फाइनली मेरा बेड रहा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं सोता हूँ। ये देखिए आप, मैं सो के आज उठा सुबह सुबह, मैं खेत में चला गया था। और ये रहा मेरा, देखो दोस्तों वो क्या बोलते हैं, ये रहा दोस्तों मेरा मिनी स्टूडियो। देख पा रहे हैं, मैंने पर्दा वर्दा लगा के सब कुछ रेडी कर दिया दोस्तों, यही मेरा स्टूडियो है। देखिए दोस्तों यही नीचे से आप लोग देखते जाइए स्टूडियो दोस्तों। और मैंने एक खटोला यहाँ पर भी रख दिया है, चूंकि मैं यहाँ पर मेहमान आते हैं तो अंदर बैठा तो जब धूप होता है तो मैं यहीं पर बैठाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, और उधर आप लोग को मेरा सूज दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों उधर सूज है, मैंने इधर स्लीपर बाहर ही निकाल दिया दोस्तों। तो इस तरह से मेरा ये कुछ घर है। आइए घर के अंदर अब दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इधर कितना ही सारा कबाड़ा आप लोग को दिख रहा होगा ना दोस्तों, कबाड़ा है ना, क्योंकि मेरे पास इतना घर नहीं है कि मैं आप लोग को बढ़िया प्रॉपर तरीके से दिखा सकूँ, इसलिए मैं कबाड़ा ही दिखाता हूँ दोस्तों। मैं भी चाहता हूँ मेरा भी घर बने, और मैं पक्का बता दूं 1 करोड़ का घर बनाऊंगा, 1 करोड़ का घर, ये घर मैं 1 करोड़ का बनाऊंगा दोस्तों। ये देख पा रहे हैं, ये जितना आप लोग को दिख रहा है कल से बनना चालू होगा दोस्तों, 1 करोड़ का घर, ये 1 करोड़ का घर बनेगा। बस ये एक बात है दोस्तों, ऐसा मैं बोल के क्या करूंगा, क्योंकि मेरी औकात तो है नहीं, बट आप लोग के प्यारे सपोर्ट से मुझे घर बनाना, मैं इतना महंगा घर नहीं बनवाऊंगा, लेकिन बट मुझे तो बनवा रहना तो पड़ेगा, घर ही बनवा के ना दोस्तों। प्लीज आप लोग प्यार सपोर्ट दो। अगर अपने छोटे भाई इलेक्ट्रिक 4 को आप लोग दिल से चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेलकॉन को ऑन करके, वीडियो को शेयर करके प्यार सपोर्ट दो, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ इसे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। मेरे माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं मेरे साथ, बट क्या करूँ, इसमें मेरी माँ पिता का गलती नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ही वो लोग मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, तो मैं क्या करूँ आप लोग बताओ। मैं दिल से मेहनत करता हूँ ना, लेकिन अब भगवान नहीं दे रहा तो इसमें क्या करूँ, मेहनत तो करता रहता प्रॉपर तरीके से। मैंने देखो उधर मैंने सब्जी का खेत किया, मैंने दिन भर सब्जी के खेत में लगा रहता हूँ। देखो अभी इधर देखो मैं धूप छिल रहा था। ये देखिए दोस्तों इधर देखिए, ये आप लोग को फावड़ा दिख रहा होगा, तो मैं सुबह सुबह ही मेहनत करना चालू कर दिया। इसमें मेरी मेहनत में मेरा कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है, बट जो कसर है आप लोग में प्यार, आप लोग का प्यार नहीं मुझे मिला उसमें कसर है दोस्तों। प्लीज आप लोग अपना प्यार हमें दे, वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, अपने ग्रुप फ्रेंड में शेयर करके, और एक टैग आप लोग यूज करो @acting4, ये टैग मेरा यूज करो। ये देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा मकान। तो बस वीडियो को यहाँ पर एंड करें, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, वीडियो अपलोड करने में भी मुझे प्रॉब्लम होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, छोटे भाई बेटे फोर को आप लोग प्यार सपोर्ट दे सकते हो। लव यू।